Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। ठीक है गाइस, तो हमें खुश रहना ही चाहिए। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का करम है मैं बहुत ज़्यादा। ठीक है गाइस, तो लॉकडाउन चल रहा है तो बोझत कुछ ज़्यादा ही हो गई है क्योंकि यूनी ऑफ है। ठीक है, और स्कूल भी ऑफ है, कॉलेज भी ऑफ है, सब कुछ ऑफ है। ठीक है गाइस, तो और बाहर भी नहीं आ सकते कहीं पे। ठीक है गाइस, तो मेरा था फाइनल ईयर गाइस। ठीक है, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है क्योंकि मेरा था फाइनल ईयर। बहुत ज़्यादा प्लान्स थे हमारे के, यार यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा है गाइस। फाइनल ईयर्स की कितनी मेमोरीज होती हैं, सब की सब बर्बाद हो चुकी हैं गाइस। तो होप सो के इन द एंड ऑफ दिस ईयर खुल जाए, यूनी खुले तो थोड़ा जाए। तो गाइस, आप सब लोग जिसे जानते हैं, जो भी जो जो यूनी में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ता है, उनके साथ तो ये हुआ है कि भाई जो नालायक स्टूडेंट्स थे वो तो इस वक्त बहुत खुश होंगे कि जिस मेरे जैसे, मैं भी नालायक स्टूडेंट्स में ही काउंट करता हूँ मैं आपको, कि भाई 40 मार्क्स की असाइनमेंट दे दी गई है और 10 मार्क्स की जो है ना वो अटेंडेंस है। ठीक है, टोटल हो गए 50 मार्क्स पे आप लोग हो जाओगे पास। ठीक है, अब जो मेरे हैं स्टूडेंट्स थे नालायक, वो तो हो गए हैं खुश, लेकिन जो टॉपर्स थे, जो ज़्यादा था कि सिर्फ हम ही पास हों, हमारे अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है, वो लोग हो गए थोड़े से खफा हो गए, नाराज़ हो गए, भाई ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ। ठीक है, लेकिन जो मेरे से नालायक स्टूडेंट्स थे ना, वो तो हो गए खुश, मज़े में, बाबा पास तो हो जाएंगे ना, चलो कुछ भी हुआ, असाइनमेंट बना रही है, लेकिन क्या पास हो जाएंगे ना, थोड़ी सी मेहनत करके पास हो रहे हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह कह रहे तो खुल जाए यूनी, क्योंकि मेरा तो फाइनल ईयर है गाइस। फाइनल ईयर की आपको पता है कितनी मेहनत गाइस, तो मेरी राम कहानी जो है ना वो चलती रहेगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। बोर हो जाएंगे तो आप लोग बीच में से छोड़ के जा सकते हैं, जो मैं बिल्कुल भी रिस्क ले नहीं सकता कि मैं आप लोग बीच में से छोड़ के जाएँ मेरी वीडियो को और मेरी वीडियो पर व्यू काउंट ना हो। ठीक है गाइस, मुझे व्यूज़ की अशद ज़रूरत है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। आप लोगों को एक सेकंड लगेगा, आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा ना आप लोगों को पैसे लगेंगे। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं और भी टॉपिक्स के ऊपर ना वीडियो बना सकूँ। ठीक है, और मुझे सजेस्ट करते रहिएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या गलती नहीं कर रहा हूँ, क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताते रहिएगा। ठीक है गाइस, तो अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से अच्छा है कि हम लोग चलते हैं, आते हैं अपने असल मुद्दे के ऊपर। ठीक है गाइस, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यार मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद क्या था गाइस। ठीक है, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया एंटरटेनमेंट के लिए गाइस। ठीक है, और मैंने सोचा थोड़े बहुत यार वैसे वैसे आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। मैं वैसे ही, मुझे शौक तो है वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, पर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है गाइस। ठीक है, पहला एक्सपीरियंस है, तो इसलिए जो भी गलती उलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चले अब वीडियो को ज़्यादा लंबा करते ही नहीं है गाइस। ठीक है, तो मेरा प्लान ये था कि यार पहले मैं जाऊँगा सीधा कैटल फार्म जाकर, वहाँ पर जो मवेशी आए हुए ना गाइस, तो उनके ऊपर व्लॉग्स बनानी थी कि भाई उनके रेट्स वेट्स लेने थे कि हैदराबाद में क्या सीन चल रहा है इस बार बकराईद का, क्योंकि वैसे भी बॉयज़ को तो बहुत शौक होता है और मुझे भी बहुत शौक है कि यार जानवर को अपना जल्दी जैसे जल्दी जानवर लेकर आए घर पर, उसकी खिदमत वगैरह करें, घुमाएं फिराएं। ठीक है गाइस, ये तो सब हर लड़के को शौक होता है। ठीक है ना, गर्ल्स को भी होता है लेकिन गर्ल्स को कम होता है बनिस्बत बॉयज़ के। ठीक है, तो इसलिए मेरा तो उसके लिए मसला ये हुआ कि मेरा छोटा भाई जो है ना वो चला गया बाहर क्रिकेट खेलने के लिए, उसको क्रिकेट की पड़ी रहती है। मेरी गाड़ी जो है ना वो बंद है जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जब से बंद पड़ी है, कपड़ा चढ़ा हुआ उसके ऊपर, उसकी हालत जो है ना बहुत हैबतनाक हो रही है। ठीक है गाइस, तो अब हम सबसे पहले ये करते हैं, पहले हम अपनी गाड़ी चेक कर लेते हैं उसकी हालत क्या हो रही है, वो मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि मेरी गाड़ी की हालत क्या हो रही है। 2 महीने बाद जब मैं उसमें कितने सेल्फ में स्टार्ट होगी, सेल्फ पे स्टार्ट होगी भी या नहीं होगी, धक्का मार के स्टार्ट होगी, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ना मैं इतना कोई लैंडलॉर्ड का बच्चा तो हूँ नहीं। ठीक है, मेरे पास पुरानी गाड़ी है। ठीक है गाइस, तो उसका कुछ पता ही नहीं कि स्टार्ट होगी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप सब लोग मिलकर दुआ करें कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और मैं इतने आप लोगों को दिखाता भी हूँ और ख़ुद भी स्टार्ट करके चेक करता हूँ कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है गाइस, तो आप सब लोग मिलकर दुआ करें कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ठीक है गाइस, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं इस वक्त खड़ा हुआ कहाँ पर हूँ गाइस। तो मैं इस वक्त जो है ना मैं खड़ा हुआ हूँ अपने घर की छत के ऊपर। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं मेरे घर की छत जो है ना, ये मेरे घर की छत है गाइस। ठीक है, ये मेरे घर की छत पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो चले गाइस, तो फिर हमें जाना था कैटल फार्म। कैटल फार्म जाना था, मेरा भाई चला गया क्रिकेट खेलने के लिए। तो हुआ ये कि सीन कुछ ये है कि
मैंने उसे बोला था यार गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर लो कि गाड़ी स्टार्ट हो रही नहीं हो रही, और थोड़ी सी गाड़ी साफ वाफ कर लो फिर चलेंगे, व्लॉग बनाएंगे अपन, तो गाड़ी तो साफ हो। पर उसने नहीं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, गाड़ी के कवर की जो है ना माप है नेक हो चुकी है गाइस, ठीक है, कवर की माप है नेक हो चुकी है, तो गाड़ी की हालत क्या हो रही है। अब गाड़ी को थोड़ा सा कवर उतारते हैं, ये देख रहे हैं गाइस आप, तो गाड़ी की जो है ना हालत बहुत बुरी हो रही है गाइस, गाड़ी की जो है ना हालत जो है ना बहुत बुरी हो रही है, और मुझे नहीं लगता ये स्टार्ट होगी, क्योंकि इसके जो टायर जो है ना उनकी हवा तक निकल चुकी है, कुछ टायर्स की है हवा और कुछ की निकल चुकी है गाइस, ये देख रहे हैं आप हाल। गाइस हम देखते हैं कि कितने स्लप करना स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। गियर से हमने फ्यूल न्यूट्रल किया, न्यूट्रल करने के बाद अब हम मारेंगे स्लप, ठीक है, स्लप मार के गाड़ी स्टार्ट हो रही है, थोड़ी सी मारी थी, एक और बार मार के देखता हूँ, चेक करता हूँ दोबारा मार कर के, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है गाइस। ये दिस इज कॉल्ड होंडा, इसे कहते हैं होंडा, गाड़ी जो है ना हमारी हो गई है स्टार्ट गाइस, माशाल्लाह हमारी गाड़ी हो गई है स्टार्ट गाइस। तो हमारी गाड़ी हो गई है स्टार्ट क्योंकि ये है होंडा, होंडा इसलिए कहते हैं, होंडा पे भरोसा इसलिए, मुझे तो पसंद नहीं होंडा गाइस, गाड़ी जो है ना मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन हो गई है ये स्टार्ट गाइस, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मतलब इसका के हम लोग जा रहे हैं वीलॉग बनाने, ठीक है, कैटल फार्म के ऊपर, पर ये वाला वीलॉग नहीं, नेक्स्ट वीलॉग। तो गाइस अगर आप बोर हुए तो उसके लिए माफ़ चाहता हूँ मैं, पर क्या करूँ, अपनी प्रेम कहानी तो बतानी थी ना मुझे, क्योंकि गाड़ी हमारी हो गई स्टार्ट गाइस, ठीक है, कल हम जा रहे हैं अपनी पहली वीडियो बनाने के लिए। लो भाई तुम आके सो गए, और मैं कैटल फार्म के ऊपर कल पहले अपनी वीडियो बना लूँगा गाइस, ठीक है, तो आप लोगों को एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो अगर लंबी हुई है, बोर किया हो मैंने आपको, तो उसके लिए माफ़ चाहता हूँ, ठीक है, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।